तो किसान भाइयों, आज हम पांच इंसेक्टिसाइड यानी कि पांच कीटनाशकों के बारे में जानेंगे जो कि हमारे आम के पौधों के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक पांच स्प्रे में लगने वाले ये कीटनाशक हैं और जो बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। आप जानते हैं किसान भाई कि एक ही कीटनाशक बार बार यूज करने से जो भी हमारे आम के बगान में या पौधे में कीट रहते हैं वो उसमें ढल जाते हैं और उस कीटनाशकों का ज़्यादा असर उस पर नहीं होता है। इसलिए हमने पांच स्प्रे में पांच अलग अलग कीटनाशकों को लिया है यानी इंसेक्टिसाइड को लिया है। चलिए हम बात करते हैं पहले इंसेक्टिसाइड की। तो किसान भाई, हमने पहले स्प्रे में जो कीटनाशक लिया है वो है क्लोरोपाइरीफॉस 50% और इसमें मिला हुआ रहता है एक टेक्निकल और जो साइफरमेथ्रिन 5% रहता है। इस टेक्निकल में बहुत सारा दवाई अवेलेबल है अलग अलग कंपनी की। वैसे यह कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है जो कि स्प्रे करने के बाद जो भी पत्ते पर कीट होते हैं वह छूने मात्र से ही मर जाते हैं। तो ऐसे ही इंसेक्टिसाइड का हम प्रयोग पहली बार करेंगे जो कि अलग अलग कीटों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जैसे कि हॉपर हो गए, वॉल बोरर हो गए, फ्रूट बोरर हो गए, मिली बग। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्टीम बोरर में भी काम करता है और सबसे अच्छी बात कि दीमक पर यह बहुत ही अच्छा असर करता है। तो किसान भाइयों, हम इसका डोज जान लेते हैं। डोज है 2 ml प्रति 1 लीटर के हिसाब से हम इसका घोल बना लेंगे, यानी कि दवाई 2 ml लेना है और 1 लीटर पानी में घोल बनाना है। इसके हिसाब से ही हम जितना भी हमें पानी लगना हो इसी के रेशियो से हम डोज बनाएंगे। अब चलिए हम दूसरे इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं। तो किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर जो हम इंसेक्टिसाइड को लिए हैं वो है एमिडा क्लोरोपीड। एमिडा क्लोरोपीड दोस्तों अलग अलग रेशियो में आता है, अलग अलग परसेंटेज में आता है। जैसे 17.8 यानी कि 17.8% SL में आता है, 70% WG फॉर्म में आता है। वैसे दोस्तों, ये एमिडा क्लोरोफीड सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है जो कि अलग अलग फॉर्मुलेशन में है, जैसे EC, SC, WG, SL अलग अलग फॉर्मुलेशन में आता है। इसमें कीटों को मारने का क्षमता बहुत ही अच्छा होता है जो कि एक तरफ स्प्रे करने के बाद पत्ते के दोनों तरफ आसानी से रस जाते हैं और चाहे पत्ते के अंदर रहे या ऊपर रहे, दोनों तरफ के थ्रिप्स हो, मिली बग हो या फिर किसी प्रकार के कीट हो, उसको मारने में ये कारगर रहता है। और इसका डोज की बात करें दोस्तों, तो इसका डोज है 0.5 ml से 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से। वो अलग अलग फॉर्मुलेशन में अलग अलग हिसाब से हम यूज करते हैं। अगर हम 70% WG की बात करें तो ये 4 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए काफ़ी होता है, लेकिन और भी ऐसे होते हैं फॉर्मुलेशन। 17.8 है, वो भी अलग अलग कंडीशन में आते हैं, अलग अलग फॉर्मुलेशन में आते हैं। इसका डोज आप दुकानदार से पूछ के लें या फिर 0.5 ml से 1 ml अपने हिसाब से आप इसका यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं 1 लीटर पानी में। अब चलिए बात करते हैं हम तीसरे इंसेक्टिसाइड की दोस्तों। तीसरे स्प्रे के लिए जो हमने कीटनाशकों का लिस्ट में नाम रखा है वो है थायोमेथेक्सम 12.6% और इसी के साथ एक और कॉम्बिनेशन आता है जो कि लैम्डा साइलोथ्रिन 9.5% का है। ये सब दवाएं आप देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले पर चल रही है। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि आप दवाई दिखाइए, तो मैं दवा भी दिखा रहा हूं आपको। ये सब दवा में ये कॉम्बिनेशन है, आप चाहे तो इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट दोनों तरह का है कि अगर आप में इस रोग लग भी गया है तो आप इसका आसानी यूज करने के बाद पौधे में रोग लगने नहीं देता है, क्योंकि इसमें सिस्टमिक ये इंसेक्टिसाइड है। सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड दोस्तों क्या करता है, लंबे समय तक अंदर पौधे में के पत्तियों में रस कर रहा, उस पर अगर बाहरी कोई कीट आता भी है और पत्ते को काटता है या फल को काटने का प्रयास करता है तो वो ख़त्म हो जाता है। और कॉन्टैक्ट फंगिसाइड उसके संपर्क में आने से ही कीट खत्म हो जाते हैं। इसमें जैसे सुंडी हो गए, लाल चींटी हो गई, फ्रूट फ्लाई हो गए, वाइट फ्लाई हो गए, मिली बग हो गए और भी जितने आम के कीट होते हैं वो इससे कंट्रोल आसानी से किए जा सकते हैं। इसका डोज किसान भाइयों में बता दूं, इसका डोज है 80 ml 200 लीटर पानी में, यानी कि 0.5 ml से भी कम का हमें इसका 1 लीटर पानी में डोज रखना है, यानी कि 0.4 ml प्रति 1 लीटर पानी में इसका हमें डोज रखना है। अब चलिए किसान भाई बात करते हैं चौथे इंसेक्टिसाइड की। चौथे नंबर पर जो हमने इंसेक्टिसाइड को लिया है वह है एसीफेट। 75% SP फॉर्म में आता है। ये भी दोस्तों कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक दोनों तरह का ये इंसेक्टिसाइड है, दोनों तरह से ये काम करता है। स्प्रे करने के बाद अगर कीट
दवा के संपर्क में आते हैं तो तुरंत ही वो उसका सफाया हो जाता है, और सिस्टमिक मतलब कुछ दिन तक ये पौधे में घुलकर पत्तियों के अंदर ये घुलकर रहता है, और बाद में भी कोई कीड़े आते हैं तो उसको ये मारने का क्षमता रखता है। बहुत ही सस्ता दवा है एसीफेट, और बहुत ही अच्छा दवा है। इसका असर लगभग 10-12 दिन 15 दिन तक के आसपास का रहता है। एसीफेट दोस्तों जैसे ये काम करता है, ये वॉलवार हो गए, एफिड्स हो गए, स्टीम बोरर हो गए, और भी सभी तरह के जितने भी बोरर टाइप के कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, उस पर यह बखूबी अच्छे से काम करता है। और ये कीटों के साथ साथ उसके अंडे को भी नष्ट कर देता है, ताकि आने वाला जो कीट है, बनने वाला जो कीट है, वह जड़ से ही ख़त्म हो जाए। अब दोस्तों बात करें हम इसके डोज की, तो डोज जो है इसका वो 1 ग्राम से 1.5 ग्राम हम रख सकते हैं। अगर हम टैंकर में यूज करेंगे तो 1 ग्राम रखेंगे, अगर हम छोटे मशीन में यूज करेंगे तो 1.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसका डोज रख सकते हैं। बहुत ही प्रभावशाली इसका रिजल्ट आता है एसीफेट का, इसलिए इसका यूज जरूर करें अपने बगीचे में, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों अब चलिए हम बात करते हैं पाँचवें इंसेक्टिसाइड की। तो किसान भाइयों, हमने जो आखिरी और पांचवे इंसेक्टिसाइड को रखा है, यानी कि पांचवे स्प्रे में आप जो लगाएंगे, ये बहुत ही खास इंसेक्टिसाइड है, और ये इंसेक्टिसाइड है लैम्डा साइलोथ्रिन, जो कि बहुत ही प्रभावशाली यह इंसेक्टिसाइड है और अच्छे से ये काम करता है। लैम्डा साइलोथ्रिन 5% इसी फॉर्म में आता है। दोस्तों हमारे क्षेत्र में एसीफेट और लैम्डा साइलोथ्रिन का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला है, और इससे जितने भी चाहें आप, बोरर है, थ्रिप्स है, फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट बोरर है, स्टीम बोरर है, सभी तरह के बोरर फ्लाइज ये कंट्रोल होते हैं, और कंट्रोल के साथ साथ अच्छे दिनों तक इसका रिजल्ट भी रहता है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहता है। तो किसान भाइयों, इसका जो डोज है वो है 1 ml प्रति 1 लीटर के हिसाब से हम इसका यूज करेंगे, यानी कि 1 ml दवा लेना है और 1 लीटर पानी के साथ इसको घोल लगाना है। 100 लीटर अगर पानी लेंगे तो 100 ml दवा लेनी है, तो इस तरह से हम इसका घोल लगाएंगे। तो ये तो था दोस्तों हमारा 5 स्प्रे में 5 अलग अलग कीटनाशक, और इसका उपयोग और इसके डोज, ये सारे। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में हमने आपको सभी दवाई के फ़ोटो के साथ दिखाने का प्रयास किया है, ताकि आप खरीदने जाएंगे तो किसी प्रकार की कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा दिखाया हुआ जो फ़ोटो है वो कोई प्रमोशन किया हुआ नहीं है, हमने गूगल से सर्च करके निकाल के आपको फ़ोटो डाला है। आप चाहें तो दुकानदार के पास जाकर आप टेक्निकल का नाम बताएं, और उसके हिसाब से सस्ता दवा मिलता है तो उसी का प्रयोग करें, तो आपको उतना ही रिजल्ट मिलेगा, आपका कुछ मुनाफा भी हो सकता है। तो चलिए किसान भाई, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको इसी तरह टॉनिक के बारे में या PGR प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं, आप हमें कमेंट जरूर करें। आपका ज़्यादा अगर कमेंट आया तो मैं PGR पर भी इसी तरह 5 स्प्रे के लिए 5 बेस्ट PGR प्रोडक्ट के बारे में वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।